ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यही ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। हम भी देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर के निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण कण, जीवन का क्षण क्षण आप सबकी सेवा में समर्पित है। और भारत को विकसित बनाने के लिए 4 सबसे बड़ी प्राथमिकता है, गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। ये चारों सशक्त हो गए तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा। साथियों, आज यहां यवतमाल में इन्हीं गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों को सशक्त करने वाला काम हुआ है। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेनें आज शुरू हुई है। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यही ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते
पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को पूरा हक, पाई पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों गन्ना किसानों और खेत मजदूरों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही हमारे गांवों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंभ हुई है। ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समितियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे, वे ही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है।